अमेरिका से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर फायरिंग हो गई है। पेंसिल्वेनिया में एक रैली के दौरान ट्रंप पर गोली चली है। ट्रंप रैली को संबोधित कर रहे थे और तभी उन पर गोली चल गई। फायरिंग में एक सिविलियन की मौत हो गई है, लेकिन ट्रंप सुरक्षित है। फायरिंग का ये वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ट्रंप रैली को संबोधित कर रहे थे, तभी अचानक कुछ हमलावरों ने फायरिंग कर दी, लेकिन जो सुरक्षाकर्मी वहां पर मौजूद थे उन्होंने ट्रंप की जान बचाई और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गए। और अपडेट इस पूरी खबर को लेकर यह है कि एक हमलावर को सुरक्षाकर्मियों ने मार गिराया है। लेकिन उस वक्त किस तरीके से मौके पर अफरा तफरी मच गई, तस्वीरों से आप समझ सकते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग थे वो वहां पर मौजूद थे। संबोधित करना शुरू ही किया था डोनाल्ड ट्रंप ने इस रैली को, तभी अचानक से फायरिंग हो गई और इस फायरिंग में ट्रंप के चेहरे पर खून के निशान भी देखे गए। हालांकि जो वहां पर सुरक्षाकर्मी थे, सुरक्षा एजेंसियां थी, उनकी तरफ से बयान सामने आया है कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल सुरक्षित है। और ये तस्वीरें उस वक्त की है जब ये फायरिंग हुई, और इन तस्वीरों से आप समझिए किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ। ट्रंप पेंसिल्वेनिया में एक रैली को संबोधित कर रहे थे, तभी अचानक से किसी ने वहां पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में बाल बाल बचे डोनाल्ड ट्रंप, उन्हें सुरक्षित स्थान पर जो सुरक्षाकर्मी थे वो लेके गए हैं। लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि इस पूरे घटनाक्रम में एक जो सिविलियन है उसकी मौत हो गई है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षित है। और ये भी अपडेट मिल रहा है कि एक हमलावर को मार गिराया है। और जैसे अपडेट ये भी है कि दो हमलावर मौके पर मौजूद थे जिन्होंने ये फायरिंग की है, जिसमें से एक को मार गिराया गया है। जो वहां पर सुरक्षा एजेंसियां मौजूद थी, सुरक्षा से जुड़े हुए लोग वहां पर मौजूद थे, उनकी तरफ से बयान सामने आया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। आखिरकार इस घटना को क्यों अंजाम दिया गया, क्यों फायरिंग की गई है, इसके बारे में जांच फिलहाल चल रही है। लेकिन ये वीडियो हम आपको बार बार दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से रैली को संबोधित कर रहे थे, और जैसे कि जानकारी मिल रही है कि संबोधित करना शुरू ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया था, तभी अचानक से मौके पर फायरिंग हो गई। फायरिंग इस तरीके से हुई कि मौके पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और जो आसपास सुरक्षाकर्मी लगे हुए थे डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में, वो तुरंत उनको एक घेरा बनाकर सुरक्षित स्थान पर लेकर गए। ये तस्वीरें आप देखिए जो गोल घेरे में है, डोनाल्ड ट्रंप को घेरे हुए उनके सुरक्षाकर्मी। और हमले के बाद ट्रंप का पहला रिएक्शन भी सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मेरे कान में गोली लगी है, बहुत खून बह रहा है, सीक्रेट सर्विस ने मुझे बचाया। हमलावर को लेकर मुझे कोई जानकारी नहीं थी, जो यह हमला हुआ है उसे लेकर पहला जो रिएक्शन है डोनाल्ड ट्रंप का वो सामने आया है। उन्होंने ये जानकारी दी है कि मेरे कान में गोली लगी है क्योंकि फायरिंग की गई और उनके चेहरे पर खून के निशान भी देखे गए थे। अब ये जानकारी मिल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि मेरे कान में गोली लगी है, बहुत खून बह रहा था, और जो है सुरक्षाकर्मी जो है पूरे इलाके को घेरे हुए हैं। और इसे लेकर एक और अपडेट आपको बता दें, बाइडेन पर बोलते वक्त ट्रंप पर हमला हुआ है, ट्रंप के दाहिने तरफ वाली इमारत से गोली चली है, ये अपडेट इसे लेकर मिल रहा है। जैसे ही ट्रंप ने अपने संबोधन की शुरुआत की, बाइडेन का जिक्र उन्होंने किया, जो बाइडेन का, उसी वक्त अचानक से ट्रंप पर हमला हो गया। और ये जानकारी मिल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के दाहिने तरफ वाली जो इमारत थी वहां पर जो लोग थे, जो हमलावर थे, वो मौजूद थे और उनकी तरफ से गोली मारी गई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।